ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपने पैसे बर्बाद करके आया हूँ। इतने घटिया मोमोज, मतलब डोलमा आंटी जितना ओवररेटेड नाम है उतना अंडररेटेड मुझे फूड लगा। मैं तो है, व्हाट इज़ अप यूट्यूब, वेलकम बैक टू फूडीज वर्ल्ड। इस वीडियो में आपको मिलेगा डोलमा आंटी मोमोज का फुल फ्लेजेंड ऑनेस्ट रिव्यू। इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करना, एंड इस वीडियो को प्लीज़ भर भर के शेयर करें अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आजकल दिल्ली में रहता हूँ, एंड दिल्ली में जब मोमोज का ख्याल आता है दिमाग में, सबसे पहला नाम जबान पे आता है एंड दिमाग में भी आता है कि चलो डोलमा आंटी के पास मोमोज खाने चले। मेरे दिमाग में भी यही बात आई, चलो आज मोमोज खाने हैं तो चलो आज डोलमा आंटी के पास चलते हैं। पर मैं वहाँ पे गया, मतलब आप ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए कि मैं वहाँ पे गया, खाया पिया सब कुछ। ये एक 10 20 25 सेकंड की क्लिप होगी, ये देख लीजिए प्लीज़। इस वीडियो में जैसे कि आपने पिछली क्लिप में देख लिया कि मैंने खाया पिया हर तरह की चीज़ टेस्ट की, एंड ऑनेस्टली बताऊं तो मैं अपने पैसे बर्बाद करके आया हूँ। इतने घटिया मोमोज, मतलब डोलमा आंटी जितना ओवररेटेड नाम है उतना अंडररेटेड मुझे फूड लगा। मैंने ऐसे मोमोज अपनी लाइफ में नहीं खाए। जो मोमो चटनी होती है वो मोमोज की जान होती है। मोमोज चटनी में टेस्ट ही नहीं था, सिर्फ मिर्ची और मिर्ची थी भर के। एंड तीन तरह के मोमोज खाए, चिकन, वेज एंड वो वाले पनीर वाले मोमोज। पनीर वाले मोमोज में मतलब जैसे हम कहें 1 चम्मच पनीर था और 10 चम्मच बंद गोभी थी, ऐसे करके पनीर वाले मोमो की फिलिंग की हुई थी। चिकन वाले में चिकन की फिलिंग ठीक थी, पर जो चिकन वाला मोमो था ना, लिटरली मतलब उसका टेस्ट इतना बेकार था, मुझे बढ़िया ही नहीं लगा चिकन मोमो का टेस्ट। एंड वेज मोमो फिर भी थोड़ा सा ठीक था। बाकी आपको तीनों की रेटिंग स्क्रीन के ऊपर दिख ही रही होगी। मैं वहाँ पे मतलब मैं ये पूरी क्लिप इसीलिए नहीं चला रहा था क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब रिव्यू बढ़िया देना पड़ा, बिकॉज़ आई वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर आउटलेट। बट मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपने व्यूअर्स को अगर ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ तो मैं ऑनेस्ट ही रिव्यू दूंगा। एंड अभी घर आके मैं ऑनेस्ट रिव्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मतलब मोमोज का मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं इनके जो सबसे मेन सेलिंग डिशेज़ हैं, इनके दो प्लेटर्स, एक वेज प्लेटर एंड दूसरा इनका नॉन वेज प्लेटर। प्राइसेस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, एंड रेटिंग चलो मैं आपको वीडियो में बाद में देता हूँ। टेस्ट की बात कर लेते हैं। फ्राइड राइस ठीक ठाक थे, नूडल्स भी ठीक ठाक थे, बट जो मेन चीज़ें चिकन एंड द वेजिटेरियन आइटम, चिली पोटैटो, चिली पनीर, चिली चिकन, चिकन मंचूरियन, उनका टेस्ट इतना ज़्यादा गंदा था, मतलब खाने लायक थे ही नहीं। मैंने लिटरली एक एक टेस्ट करके, वो भी वीडियो के लिए, ये नहीं मुझे अच्छा लगा, वीडियो के लिए टेस्ट करके, और मैंने वो दोनों प्लेटर फेंके ही हैं, मतलब खाए ही नहीं। मतलब किसी को ऑफर भी किया, मतलब किसी गरीब को चल हम दे दे, फूड वेस्ट ना करे, इवन दे रिफ्यूज टू ईट इट, कहते तुम नहीं खा रहे तो हम क्यों खाएं। ठीक है, इतना बेकार टेस्ट। बाकी आपको स्क्रीन पे रेटिंग दिख रही होगी, मतलब 150 200 220 रुपये जितने भी आप रुपए दे रहे हो, मतलब कुछ प्रोवाइड तो करो यार उसमें। 200 150 रुपए ले रहे हो आप किसी बंदे से, मान लो आप 150 रुपए भरते हो, मान लो आप 200 रुपए भरते हो, चिकन प्लेटर लेते हो, एंड यू माइट बी एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टू ईट, बट यार सेम चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, एंड मेरी एक्सपेक्टेशन पे ऐसा पानी फेरा है ना डोलमा आंटी वालों ने, ओ माय गॉड। मेरे को ये नहीं समझ आ रही कि इनकी आउटलेट्स चल कैसी रही हैं। इतना मतलब बेकार खाना था, मतलब ये नहीं, चलो ठीक है 5 6 चीज़ें मैंने लगवाई थी, 5 6 चीज़ों में एक आध चीज़ गलत निकल जाती है यार, एक चीज़ का मतलब 5 6 चीज़ें लगवाई, 5 6 चीज़ें की 5 6 चीज़ें ही ओ माई मतलब सर के ऊपर से जाती हैं यार, इतनी घटिया थी, मजाक नहीं, इतना गंदा टेस्ट। मैं ना ओवरऑल रेटिंग देना चाहूँ ना 10 में से मैं 2 भी ना दूँ,
ठीक है, मेरे रुपए लगे मेरे आई थिंक 540 के 550 रुपए, पता नहीं मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बिकॉज ये 3-4 दिन हो गए मुझे वीडियो फिल्म किए, मतलब 540-550 रुपए लगे। एंड अगर मैं मनी वर्थ इट की बात करूं तो 500 में से 10 रुपये भी वर्थ इट नहीं थे फूड में। ठीक है, मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो मैंने रिव्यू दिया ये बिल्कुल ऑनेस्ट है, मैं नहीं चाहूँगा कि आप डोलमा आंटी पे मतलब जाके अपने पैसे वैसे, अगर आप जाना चाहते हो, आपके मन की इच्छा है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप पैसे वेस्ट करना चाहते हो तो आप डोलमा आंटी पे जाइए, अगर आप पैसे अपने वेस्ट नहीं करना चाहते तो प्लीज़ डोंट विजिट डोलमा आंटी। एंड बस यही था रिव्यू, एंड इन फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया वीडियोस मिलती रहेंगी, ऐसी वीडियोस ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पे। एंड अगर आप ऑनेस्ट रिव्यूज़ हर एक प्लेस के चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। एंड ऑल्सो आजकल मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स डालने शुरू किए हैं, एंड आप मेरा इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ एंड रेगुलरली ही मेरे रील्स आते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऑल्सो एक और चीज़ बताना चाहता था मैं कि मोमोज प्लेस मैंने एक और का रिव्यू किया था, हंगर विंग्स, जहाँ पे मैंने कॉम्बोज भी खाए थे, आप मोमोज वहाँ के ट्राई कर सकते हो, वहाँ के मोमोज बढ़िया थे। इन फ्यूचर आपको और मोमोज रिव्यू और फूड रिव्यूज़ मिलेंगे दिल्ली के अंदर एंड इवन इन अदर प्लेसेस वेयर आई विजिट, मतलब आपको हर एक जगह जहाँ मैं विजिट करूँगा मैं आपको कोशिश करूँगा कि एक ना एक फूड रिव्यू या वहाँ का एक बढ़िया फूड का रिव्यू दे पाऊँ ताकि आप वहाँ पे जा सके। तो आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड बाय बाय फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।